अगर तुम्हें लग रहा है कि आपका आज का दिन बुरा जा रहा है तो ध्यान रखना दोस्तों, ये आपका रोज का है। अमेरिका के दो बड़े वैज्ञानिक उस समय बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि चप्पल उल्टा होने से घर में लड़ाई हो जाती है। कारे तूने आम खाए? हाउ धोखे खाए? धोखे तो बहुत खाए जिंदगी में। आशिक बन रहा बिल्कुल आई। हम आम धोबे की बात कर रहे तो तुम्हें इंग्लिश आती है? हाँ, बहुत आती है। अच्छा, तो इसको इंग्लिश में करके बताओ, मैं तुझे मार दूंगा। इंग्लिश कई बार में मेरे हाथ तो लगा के दिखा। आयो रे मां। यार मेरे पास तो जहर तक खरीदने के पैसे नहीं है। इतनी सी बात के लिए तू रो रहा है? इतनी सी बात? मैं हूं ना तेरा दोस्त, मैं तुझे पैसे दूंगा यार जहर के। तुमने तो कहा था रात को खाने में दो ऑप्शन होंगे, लेकिन तुमने तो एक ही सब्जी बनाई है। ऑप्शन तो दो ही हैं, खाओ या मत खाओ। अरे सुनती हो? नहीं, मैं तो बहरी हूँ। मेरा बाप बहरा था, मेरी माँ बहरी थी, मेरा तो पूरा खानदान ही बहरा है ना। सुनाई तो बस तुम्हारे घर वालों को देता है। जो मैं बोलती हूँ वो भी सुन लेते हैं, जो मैं नहीं बोलती वो भी सुन लेते हैं, और तो और वो तुम्हारी 200 साल की अम्मा हर वो बात सुन लेती है जो मैंने कही। इंसान भी अजीब है, ना मिले तो सब्र नहीं करता, मिल जाए तो कदर नहीं करता। क्या फायदा मैथ्स पढ़ने का जब गिनने के लिए पैसे ही ना हो? जहाँ इज्जत नहीं होती ना, वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो अब मैं घर भी नहीं जाऊँ। मेरे रिश्तेदारों ने मैनू ऐड कर रखा टिकटॉक ते इंस्टा ते, ना तो मैनू कभी लाइक किया ते ना कभी कमेंट करते आ, जस्ट ये देखते रहेंगे भी करती की आ। गाली देने से कोई बड़ा नहीं बनता, बस मन को शांति मिलती है। पैसा आता है चला जाता है, खुशियाँ आती है चली जाती है, दुख आता है चला जाता है, एक मोटापा ही सच्चा साथी है जो आने के बाद जाने का नाम ही नहीं लेता। सारी दुनिया ने मुझ में इतनी खामियां निकाली हैं कि अब मुझ में सिर्फ खूबियां रह गई हैं। Thank you.